कहाँ जाता है? बाजार देख सकते हो क्या को देखो कहाँ रखा है, अपने कंधे पे रखा है, बाजार जाता है। महुआ मछली वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ये देख सकते हो। कौन वाला मिलता है बड़ा? मुर्गी आरा है? मुर्गी आरा, मुर्गी आरा। देखिए दोस्तों ये मैं लाडू लिया हूँ खाने के लिए, इसमें राइस बियर बनता है, ये देख सकते हो। इसको आपको मैं पास से दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा छत्तीसगढ़िया जोहार। आप देख रहे हैं फंटेस व्लॉगर, मैं भरतपुर हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आज के नए व्लॉग्स में। दोस्तों मैं आपको आज लेकर चल रहा सरगुजा का आदिवासी ट्राइबल मार्केट, जो कि दोस्तों अंबिकापुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, मैनपाट कमेश्वरपुर से 20 किलोमीटर और मेरे गाँव से मतलब उड़म किला से बंदना 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं और चलते हैं आदिवासी ट्राइबल मार्केट। कहाँ जाता रे? बाजार। कहाँ जाता यार? कहाँ जाता? बाजार जाता। सुना तो इधर रुक ले, तो कहाँ जा रखे झोला में? जोंडरी है दीदी खैर। दोस्तों क्या है कि ये मक्का को इन लोग जोंडरी बोलते हैं। देखो इतना जल्दी इन लोग बाजार से आ भी गए घूम फिर के। क्या क्या ले? बहरी बस का साग मन बरबट्टी। अच्छा बरबट्टी साग, ये देख सकते हो। अब लड़का को देखो कहाँ रखा है, अपने कंधे पे रखा है, बजा रहा था। अच्छा बहुत ही यार, देखो कितना मस्त ऊपर से बैठा बैठी हुई है और इधर अभी पा के जा रहे हैं। काम बूता निकाल रहे। कैसे याद हो, कहाँ रखे हैं? जोंडरी क्या खरीदे? क्या खरीदे? अच्छा मिठाई खाए पर जाता, क्या ले जाता? अच्छा माकुर चुना साग सब्जी। और कहाँ जाता? बाजार। तो लैका लागू बैठा है तो? अच्छा कुदाद रिश्तो के दिवाली मनवर साग साग। देख रहे हो दोस्तों कैसे मस्त बच्चा आके बैठा है और उसके लिए पता है स्पेशल सीट भी है। तो इन लोग बाजार वगैरह से सब कोई आ रहे हैं और देखो अभी शाम का समय है तो पहले वगैरह जो चरा के ना अब वो वापस जा रहे हैं। मैंने दोस्तों मैं अभी हमारे जो गांव का बाजार है वो पहुंच चुका हूँ और यहाँ से कुछ शुरुआत होता है, ये देख सकते हो। और ये आदिवासी ट्राइबल मार्केट दोस्तों, देखो लोग क्या है कि सामान वगैरह कुछ कुछ लाते हैं अपने घर से बेचने के लिए, तो उसको फिर बदले में उनको पैसा देते हैं और उन्हीं पैसों से वे मार्केटिंग करते हैं, सब्जी खरीदते हैं और आज दिवाली है तो पटाखा वगैरह सब कुछ यही सामान वगैरह बेच के लेंगे। दोस्तों दिवाली है तो क्या है कि अभी ये जो देसी बरबट्टी है लगा के थे ना, क्या कहते हैं? और गांव में क्या कहते हैं? बोदी। बोदी कैसे रुपया किलो है? 90 रुपया। 90 रुपये किलो है। अच्छा दोस्तों ये अभी इसको दाना खिलाते टाइम इसको यूज करते हैं अभी दिवाली टाइम। दोस्तों जो गांव के आदिवासी हैं वो इस तरह से अपना सामान लाते हैं। ये जो लाया है कुछ कुछ, जैसे कि अभी मक्का का सीजन चल रहा है तो अभी मक्का लाए हैं और फिर ये बेच रहे हैं इस तरह से। कितना रुपये बताए? कितना रुपया बेटा? 150 रुपया। दोस्तों आज धनतेरस है तो फिर दिवाली पूरा सीजन चल रहा है तो ये फोटो वगैरह कुछ लाए हुए हैं और इधर ठेला वगैरह है फुल्की वगैरह के, ये देख सकते हो इधर से। और बस धनतेरस में बस यही चल रहा है, मतलब दिवाली फोटो वगैरह कुछ बेच रहे हैं। तो गांव के बाजार में सब कुछ मिलता है, जैसे कि अभी सब्जी वगैरह के सीजन चल रहे हैं मतलब, तो ये देख सकते हो सब कुछ सब्जी का जो भी है, भाजी वगैरह है, मटर वगैरह है, मूली वगैरह सब कुछ अभी यहाँ गांव के बाजार में मिलता है। और इधर जरूरत के हर कुछ सामान मिलेगा आपको, ये देख सकते हो प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक वाले हर कुछ सामान, जैसे भी अभी जो घर में जरूरत होता है सब कुछ इस तरह से लोग खरीदारी करते हैं। और इधर देखते हैं दिया वगैरह कैसे दिया दीदी? 20 रुपया दर्जन है। अच्छा ये देख सकते हो दिया वगैरह है, लेबो अभी। और ये देख सकते हो पूरा दुकान वगैरह है। और इधर देखो तो ये तंबाकू वगैरह जैसे कि गांव में ज़्यादा खाते हैं तो फिर पूरा सब कुछ मिलता है यहाँ। दोस्तों क्या है कि देख सकते हो आप लोग इधर पूरा मार्केट वगैरह में पूरा जूता चप्पल वगैरह सब कुछ मिलते हैं,
ये देख सकते हो दोस्तों, आज पूरे बाजार में दिए वगैरह ही सब कुछ मिलेंगे। और इधर पूरा मनिहारी की दुकान है, ये देख सकते हो इधर, और इधर भी पूरा चूड़ी वगैरह सब कुछ बेचते हैं। और इस एरिया में देखेंगे तो कपड़ा वगैरह सब कुछ मिलते हैं, ये देख सकते हो पूरा कपड़ा का दुकान है। हमारे घर के बच्चे लोग भी आए हुए हैं, ये देख सकते हो घर के, देखो खुआ वगैरह सब कुछ अभी खुआ का ले रहे झाड़ू झाड़ू तो पूरा ये सब झाड़ू वगैरह है। और अभी झाड़ू का रेट कैसे है, झाड़ू का रेट कैसे है? 50-40। अच्छा, अलग अलग रेट है, क्या बोल रहे हैं भैया? बोल रहे हैं धनतेरस में झाड़ू खरीदना चाहिए, शुभ होता है। अच्छा दोस्तों, मैं भी अभी एक झाड़ू ले ले रहा फुआ बोली, तो ये देख सकते हो 50 रुपए का एक झाड़ू है। दोस्तों क्या है कि अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, जैसे कि मैं छोटा था तो फुआ के साथ ऐसे ही जैसे इन लोग आए हैं, ये ढोलू आया है, हर्ष आया है और ये बच्चा आया है आरव, तो वैसे ही मैं भी बहुत फुआ के साथ जिद करके बहुत आता था, इनके साथ बहुत ज्यादा जिद कर रहा था और ऐसे ही रो रो के आता था। और फुआ के साथ फुआ कुछ स्टोरी है क्या, मोर कुछ स्टोरी है क्या, जो मतलब जीत करके आते हैं? अच्छा, मुरा लड्डू खाने के लिए अभी दिखाएंगे आपको, मुरा लाड़ू भी दिखाएंगे क्या को बोलते हैं। तो यहाँ मनिहारी वगैरह के सब कुछ सामान मिलते हैं, आप लोग इधर देख सकते हो, जो भी गांव में जरूरत है सब कुछ यहाँ मिलते हैं। और इधर देखो तो सब वैसे ही है, और इधर देखो तो पूरा पायल वगैरह सब कुछ है, पायल है, मंगलसूत्र है, और इधर बिछिया वगैरह सब कुछ है। और भाई का ये दुकान है, बाकी वो मोबाइल में भी बिजी है, बाकी मिलाएंगे कभी इसको भी। ये ले रहा यहाँ से, ये देख सकते हो, और भाई को ही बोला, मतलब ये रेतु भाई को ही, इसको भी ब्लॉग में देखे होगे, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ये 3 दर्जन ले रहा मैं दिया। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से काफ़ी भीड़ है, एकदम बहुत सारा भीड़ है यार, ये देख सकते हो आज का मार्केट ना, ये पूरा दिवाली मार्केट है भाई, और भीड़ देख सकते हो कि किस तरह से है। और इधर आप लोग देखोगे तो ये पूरा आपको देसी प्याज मिलेंगे, और ये देसी लहसुन है, ये सब घर घर का रहता ही। अभी तो अच्छा, ये बेनी मिर्च का कितने रुपये किलो है? 100 रुपये किलो है। और ये लौकी यार? अच्छा, और ठीक दोस्तों अभी आगे निकलते हैं। ये देख सकते हो इस तरह से यहाँ मूली वगैरह है, और ये यहाँ बरबट्टी वगैरह भी लाए हैं। और ये बादाम किसे? 10 रुपया। ये कहाँ का थे? कहाँ यार? हड़िया बनाते हैं यहाँ। अच्छा दोस्तों, इसमें राइस बियर बनता है, ये देख सकते हो, इसको आपको मैं पास से दिखाता हूँ। कैसे रुपया यार? 10 रुपया, इतनी कर। क्या बेच रहे हैं अंकल? मूसा मार दवाई। दोस्तों अगर किसी को जरूरत है तो इस तरह से मूसा मार भी, मतलब चूहा मारने वाला दवाई भी मिलता है यहाँ, अंकल बेच रहे हैं। और इस तरह से अगर आगे देखें तो हम लोग यहाँ पूरा मसाला वगैरह सब कुछ मिलते हैं। और इधर देखते हैं टमाटर वगैरह रेट कैसे है अभी। टमाटर किस रुपये किलो? 30 रुपये किलो है। दिवाली मार्केट है तो पूरा जगह ये बोदी वगैरह सब कुछ है। कैसे है बोदी? 100 रुपये किलो। और गाँव एरिया में क्या है कि तंबाकू वगैरह बहुत ज़्यादा बिकता है, और ये सब देख सकते हो। कैसे सब्जी? ये पूरा गांव का सब्जी है। और ये क्या भाजी है? खोटनी भाजी। बोला कैसे देते हैं? 10 रुपये कूढ़ा। और ये क्या भाजी है? कोंड़ा भाजी है। अच्छा तो अभी क्या है कि सीजन आ गया है, देख सकते हो सब्जी वगैरह लगाने का। ये क्या हुए? फूल गोभी का पौधा। कैसे रुपया देता? 10 रुपया करेगो। तो 10 रुपया में दोस्तों इस तरह से इतना मिलता है। कितना को पेड़ है लिया? अच्छा, अंदाजी बांधा था। देख सकते हो इस तरह से यहाँ बर्तन वगैरह सब कुछ मिलते हैं। ये देखो खीरा वगैरह, मूली वगैरह, देसी प्याज वगैरह सब कुछ मिलते हैं। और इधर पूरा मसाला वगैरह, भाजी वगैरह सब कुछ आए हैं, देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, गांव में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह सब कुछ बिकते हैं। ये देख सकते हो इधर भैया का ही शॉप है, और ये देख सकते हो जितना भी गाँव में जरूरत का सामान है, टॉर्च वगैरह हो गया, इधर लाइट हो गया, बढ़िया देखो बड़ा बड़ा साइज का भी है, चार्जिंग वाला लाइट भी का भैया। अच्छा, मतलब
सब टाइप से सामान है। अच्छा, और ठीक है, इधर हम लोग आगे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखो खाने पीने वाला मतलब जैसे कि ब्रेड वगैरह सब कुछ मिल रहा है। क्या है कि यहाँ टमाटर बोल रहे हैं कि सस्ता है बोल के, तो फिर टमाटर वगैरह छांट रहे हैं। 20 रुपये किलो है भैया, 20 रुपये 20 रुपये किलो है, ये देख सकते हो दोस्तों। तो कुछ इस तरह से टमाटर ले ले रहे हैं, कितना समथिंग 2 किलो छांट ले रहा। क्या है कि अर्जुन भी आया है, ये देख सकते हो आप। अली मार्केट का है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हो पूरा एकदम पैर रखने के लिए जगह नहीं है, ऐसा टाइप से कभी बीच बीच में हो जाता है। लोग बहुत सारे आ रहे हैं और आधे लोग तो आए ही नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेवल मार्केट है ये शाम का मार्केट होता है, मतलब शाम को थोड़ा जाते जाते टाइम क्या है कि रेट को थोड़ा कम कर देते हैं, इसलिए लोग ना थोड़ा सा शाम को आते हैं, जैसे सूर्य ढलता है वैसे ऐसे लोग यहाँ आना शुरू करते हैं, तब और भी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो फिलहाल चलो अब बाज़ार घूमो आप भी वगैरह। यहाँ देखो अभी साखन कांदा वगैरह बिक रहे हैं, 30 रुपये किलो 30 रुपये किलो साखन, और कोचाई 40 रुपये किलो। अच्छा, ये भी कोचाई है। और ठीक दोस्तों, यहाँ आपको बड़ा के पास ये पूरा देसी लहसुन ये सब देखने को मिलेंगे। लहसुन कितने रुपया बड़ा? 20 रुपये पाव 20 रुपये पाव। और कूढ़ा में 10 रुपया। अच्छा, ये 10 रुपया कर हवे। अच्छा, और ये मिर्चा ये कौन वाला मिर्चा है बड़ा? मुर्गी आरा। अच्छा दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, ये मुर्गी आरा मतलब मुर्गी का जो चुंदी होता है ना ऊपर वाला, वही वाला मिर्चा बोलते हैं इसको। बड़ा झार रहल कि नहीं रहे? बड़ा झार रहल तो। अच्छा ठीक, हाँ तो ठीक दोस्तों, देखो यह क्या है कि अब आगे देखो पूरा यहाँ गांव में क्या है कि पूरा कूढ़ा कूढ़ा में मिलता है। और यहाँ दोस्तों क्या है कि महुआ मछली वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ये देख सकते हो। अभी ये मार्केट में महुआ भी बिक रहा है। तोरा बेरा यार, कितना रुपये किलो महुआ? 40 रुपये किलो। और ये मछली मन? एक पाव में 50 रुपया। और एक गीना मछली है, तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा ये मछली है, गीना और चेंटी वगैरह है कुछ। और दादा क्या है कि पूरा गांव में देखो महुआ वगैरह सब कुछ बिकता है। और ये देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ सूपा वगैरह, झिलगी वगैरह और उधर पुटी वगैरह सब कुछ आया है। और अभी धान का सीजन आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ हसुआ वगैरह भी मिल रहा है। दादा ये हसुआ तोड़ हवे कैसे रुपया? 150 रुपया पड़ी। यहाँ भी देखो दोस्तों सूखी मछली है, कैसे रुपया? 20 रुपया कर। अच्छा, कहाँ का मछली है? हाँ, कौन बांध के? खर्रा बांध कर। अच्छा, ये देख सकते हो दोस्तों, ये 20 रुपया मतलब ये कुछ का है। तो ये पूरा मिठाई वगैरह सब कुछ है इधर, मिक्सचर वगैरह, बालूशाही, सलोनी, और ये देख सकते हो ये पूरा समोसा भजिया सब कुछ है। समोसा कैसे रुपया पीस है यार? 5 रुपया 5 रुपया, इतना सस्ता? अरे वाह यार, देखो समोसा 5 रुपया, ये देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सस्ता है। और बट्टा भाई अपना भी ये समोसा खाने के लिए आया है। देखो दोस्तों अभी धान कटाई का सीजन है, तो पूरा ये देख सकते हो हसिया वगैरह एकदम खतरनाक तरीके से रखा गया है। एकदम ऐसा देख के ना मेरे को एकदम साउथ वाला याद आ गया, मतलब साउथ फिल्म का जो मूवी है वो। कैसे रुपया हसिया? 150 रुपया 150 रुपया हवे। और ये टांगी बनकर? ये टांगी 450 रुपया 250 रुपया। अच्छा, सबका अलग अलग रेट है। और कोड़ी कर? कोड़ी 400 रुपया 400 रुपया है। और ये दो मुर्गा काटे वाला? 250 रुपया। अच्छा, ये 250 रुपया। देखोगे तो सिर्फ पूरा टमाटर मार्केट है, पूरा आगे तक सिर्फ टमाटर ही देखने को मिलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग आए हैं ये सलोनी वाला बिस्किट लेने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे रुपया लगाया सिला? 10 रुपया ये बीस का है। अच्छा, ये 10 रुपया और 20 रुपया। हाँ। अच्छा, और ये का लाडू है? लड्डू बोलते हैं। अच्छा, लड्डू मुर्रा लड्डू है। केला कैसे लगाया है? 10 का है। अच्छा, 10 का है। और वो 20 का है, वो 10 का है। अच्छा, ये 10 रुपया कर है, वो 20 रुपया कर है। वो 10 का। अच्छा अच्छा, ओला दे दे तो 20 रुपया कर। तो ये है उखरा लाई, मतलब जो धान रहता है उसको फोड़ते हैं, उसके बाद फिर गुड़ में सान देते हैं। और ये मुर्रा है, ये देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये मैं लाडू लिया हूँ खाने के लिए, क्योंकि उतना ज़्यादा मीठा तो खाता है नहीं, लेकिन पिछले बार क्या है कि मैं खाया था। और बाबू बहुत देर से देख रहा है मोबाइल। क्या नाम है बाबू तोर? क्या नाम हवे? आशिक, क्या कर रहे हैं? शर्मा आ गया फिर। चलो ठीक है दोस्तों, फिर चलो लाडू का एंजॉय करता है।
बहुत मीठा, मतलब ठीक ठाक है और मजेदार भी है, अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ मीट मार्केट है पूरा, इधर आगे तक जाएंगे तो पूरा मतलब बाजार में ही सब कुछ मिल जाता है, जो भी खरीदना हो मछली मुर्गा सब कुछ। ये देखिए दोस्तों क्या है कि लोग अब सामान वगैरह सब कुछ लगभग लगभग अब ले ही लिए हैं, और इधर से देख सकते हो पूरा अपने साथ झोला वगैरह देखो सब टांग टांग के खड़े हैं, और पूरा देखो लोग मार्केट वगैरह आए हैं, पूरा ये आदिवासी ट्राइबल मार्केट है, लोग एकदम आए हैं बाजार देखो पूरा। अभी जैसे जैसे शाम हो रहा है बताया था ना, वैसे वैसे लोगों का भीड़ एकदम बढ़ते जा रहा है। देख रहे हो लड़की कैसे शर्मा गए, पैसा वसूला था तुमने? अरे पैसा वसूला था, कैसे लेता था एक दुकान के? छोटा दुकान 10, तो बड़ा दुकान बड़ा बिग मार्केट है, थोड़ा सा 20। अच्छा, बाजार का पर्ची, बाजार का पर्ची भी है, दिखावा। ये देख सकते हो दोस्तों ये कुछ बाजार का पर्ची है, और आज तारीख है 22, और भाई लोग अभी पर्ची काट रहे हैं, जैसे दुकान बताए वैसे ही पैसा भी लेते हैं। हमारे भैया आप ही क्यों ले रहा भैया, आप ही तो हैं बड़े भ्राता, आप ही तो हैं सब कुछ हमारे गांव के कर्ता धरता। ये देख सकते हो भैया अभी बाजार जा रहे सामान वगैरह ले ली की कुछ? अरे अभी हम लोग दीपावली के अभी तुरंत बाजार हम प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा अभी तुरंत आए हैं। तो आप मार्केट घूम रहे हो, आप लोगों का ये आदिवासी ट्राइबल मार्केट कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस तरह से यहाँ जो गांव का जो होटल होता है वो इस तरह से होता है, भजिया समोसा और इधर मिक्सचर वगैरह सब कुछ मिलता है, और देखो किस तरह से लोग यहाँ खरीद रहे हैं, सेठ जी एकदम पैसा नाप रहे हैं एकदम गजब तरीके से, और इधर बन रहा है भजिया। अब ये देख सकते हो यहाँ का भट्टा बहुत ही खतरा टाइप से जल रहा है, क्या भजिया बना था यार? दोस्तों अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये भजिया है चटनी, और अर्जुन क्या है कि ये देख सकते हो समोसा लिया है, तो फिलहाल एंजॉय करते हैं। दोस्तों शाम हो गया है लेकिन लोगों को आना जाना अभी तक देखो लगा है, देखो अभी तक बाजार आ ही रहे हैं, क्योंकि बताया ना कि जो गांव का आदिवासी मार्केट है वो शाम का मार्केट है। अर्जुन को बोला कि मैं क्या ले, अर्जुन तो बोलता है कि चप्पल खरीद दे, देखो अभी खाली पैर आया है मार्केट, तो अभी चलो तुम्हारे लिए अभी चप्पल लेते हैं। ये देख सकते हो यार खाली पैर आया था तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए मैं अभी चप्पल ले दे रहा। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से अर्जुन का चप्पल है, देखते हैं अब साइज इसका नाप के, देखते अर्जुन पहन के ठीक है कि नहीं है, ठीक है साइज ठीक है, ठीक तो आया है, इसी को अभी डन करते हैं। तो फाइनली दोस्तों इसके लिए अब चप्पल ले दिए हैं, पैसा सब पूरा पेड कर दिया हूँ, तो देख सकते हो अब लड़का राम अब खुश है कि चप्पल ले दिया बोल के, अब ये पहन रहा है ठीक है। अर्जुन अर्जुन ठीक है, देख रहे हो चेहरे में हल्का हल्का स्माइल है इसका। मेरे भाई लोग अभी फिर क्या मिले हैं देखते हैं, क्या बनवा रहा है रे? अरे पान खाएगा, शनिवार बाजार आके पान खा रहा है यार। मतलब दोस्तों क्या है कि हमारे घर वाले जब भी अगर आते हैं मार्केट तो भैया के यहाँ से पान जरूर खाते हैं। तो दोस्तों क्या है कि अभी हीरा भैया हैं, और इतना शाम को कैसे भैया इतना लेट? लेट हो गया, मैं भी दुकान में था ना, तो अच्छा अभी निकल के आया हूँ मार्केट करने। हाँ हाँ भाजी ले जाना है। अच्छा अच्छा, और हमारा भतीजा भी आया है देख सकते हो, और सब बढ़िया। चलिए दोस्तों रात हो गया है और फिर अब मैं चल रहा घर, सीधे आपको मैं घर में मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं घर अभी पहुँच गया हूँ, और आज देखा आदिवासी मार्केट कैसा होता है, और फुआ बता रही थी कि मैं कैसे लाड़ू खाता हूँ, देखो मार्केट में भी एक वहाँ भैया से लाड़ू मांगा और खा लिया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। मार्केट में एकदम गपा गप खा रहा था, लोग देख के हंस रहे थे मेरे को कि कैसे खा रहा है बोल के, और अर्जुन के मतलब पापा को बोला कि पापा पैसा मतलब पैसा दे चप्पल खरीदना बोल के, तो फिर वो नहीं दिए, तो फिर मैं बोला कि ला मैं खरीद देता हूँ बोल के। तो चप्पल का साइज ठीक हो इसी देखे बोल ठीक है, चप्पल का साइज बढ़िया हवे। अच्छा और क्या लेवे? बच्चे लोग कैसे नखर है। तो दोस्तों आज का ये हम लोग का जो आदिवासी ग्रामीण मार्केट है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। मिलते हैं जल्दी ऐसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़, और आप सभी को दोस्तों हैप्पी धनतेरस। वैसे तो एक दिन बाद आ रहा है ये ब्लॉग, तो बाय बाय।